जब एक पाकिस्तानी के मुंह से इंडिया की तारीफें निकलेंगी या वो पाकिस्तान को बुरा भला कहेगा, तो आप देखिए कि इंडियन व्यूअर जो बहुत बड़ी तादाद में है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, आपकी बात से अग्री कर भी लें तो वाय रिबाह, बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को आपने क्यों आज तक नहीं रोका? भाई एक मिनट बंद कर। हेलो, मैं ये आपको कितनी फंडिंग हुई है इस प्रोग्राम के बाद? आपको उसके बाद की उसकी तो कुछ तो खबरें मिली होंगी कि उसकी जिंदगी को इस तरीके से खतरा ला गया। बहरहाल पाकिस्तान एक सेंसिटिव मुल्क है, तो आपको ये खबरें मौसूल हुई हैं कि उसके बाद उसकी जिंदगी को कितने थ्रेट मौजूद थे, वो कहाँ सर्वाइव करती रही, किधर छुपती रही, किधर रहती रही? इसका कोई रिग्रेट नहीं है? जी नाज़रीन, इस टाइम मुफ्ता मारने जा रहे हैं। और अच्छा यार, मैं शुरू कर रहा हूँ एक सीरीज़ जो सोशल मीडिया के एंकर्स हैं ना, उनकी अनटोल्ड स्टोरीज़। तो आपसे हम पूछेंगे आज, अली साहब, आपकी क्या अनटोल्ड स्टोरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? आपने बड़े ख़तरनाक काम किए हैं, आपको लोग जो हैं वो पीटीआई के जलसों में भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाते थे। एक आपने जो आपकी वजह शोहरत बनी एक वीडियो रिबाह इमरान वाली जो कि इंडियन कंटेंट करती थी, उस कंटेंट से आप सेटिस्फाई हैं अपने? फरहान भाई, मैं बड़ा ही सेटिस्फाई हूँ उस कंटेंट को लेके, और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझसे ये कंटेंट करवाया। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, और इवन के वहाँ पे जो मौजूद बहुत से मीडिया वाले थे उन्होंने कहा ये आप करें, और शायद ये मुझे इसलिए मिला था कि इसी तरह का एक प्रोग्राम मैंने कुछ अर्सा पहले भी किया था, लेकिन मेरे दोस्त अहबाब ने डिलीट करवा दिया था कि यार ये हमारे दोस्त हैं और ये वो। तो मुझे लगता है कि शायद वो मैंने उस दिन जब डिलीट किया था तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ। मैंने कहा यार ये मैं क्यों डिलीट किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक नेशनल कॉज थी। अगर आप चंद पैसों के लिए किसी को पैसे दे के या पैसे लेने के लिए आप अपने मुल्क के खिलाफ स्क्रिप्टेड कुछ भी बेचना चाहेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो इस वजह से मैं इस कंटेंट को लेके अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि अल्लाह ने मेरे से एक कंटेंट करवाया। वो प्लांटेड था? नहीं, प्लांटेड नहीं था। अच्छा, हम गए, मेरे साथ ये राणा साहब पीछे बैठे, राणा साहब और मैं गए, और हम स्टोरी कोई और करने गए, और वहाँ पे हमें अचानक से इमरान जो सोशल पाकिस्तान पे वो उसने आके मुझे बताया कि इस तरह का मामला है और ये लोग लड़ रहे हैं। ऐसा कि रिबाहा के साथ भी कुछ लोग आए हुए थे और कुछ लोग वहाँ पे जो मौजूद थे इनके आपस में टसल थी कि आपने क्या कंटेंट किया। और मैं सिर्फ इसलिए कहा कि मैं जाके पूछता हूँ कि रिबाहा ये क्या, मैं आप अगर उसका आगाज़ देखें तो ये है कि अस्सलाम वालेकुम रिबाहा, कैसी हैं आप? और फिर वो खुद ही यानी कि उन्होंने भागना शुरू किया, और वो फिर आपको पता है बहरहाल वो एक औरत है, जाहिर है उसने इस सिचुएशन से डरना था। मैं एक औरत अगर कहीं पे बैठ के किसी का खाना बना रही है, उसमें जहर मिला रही है या किसी को कत्ल करने का प्लान कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो खातून है तो आपको रोकना नहीं चाहिए? अच्छा, आप बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं। अब आपको उसके किसी कंटेंट से मसला है तो आपको लगता नहीं, क्योंकि पता है हम तो मीडिया का काम कर रहे हैं, कोई एक वीडियो किसी की भी लाइफ को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देती है, तो इसका कोई आपको नहीं लगता था कोई और हल हो सकता है? आप पहले FIR में एप्लीकेशन दे देते, किसी लीगली तौर पे अपनी तरह कोशिश करते, नहीं होता तो फिर आप इस तरह उसको एक्सपोज। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ कि हम देखिए ना तो कोई कानूनी इदारा है, ना तो हम कोई पुलिस हैं। हम मीडिया पे काम करते हैं और हमारा काम ये है कि हम निशानदेही करें। बहुत से लोग आके मुझे ये कहते हैं कि यार सानू तो हाफस फराम करेगा, यानी कि पुलिस ने कहा कि सानू कोई कुछ किए ना। अच्छा, या मैंने उन्हें कहा देखिए यार मैं पुलिस को कहूँगा, वो मेरी नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? सही है, मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि भाई जान ना करें, और अगर वो नहीं मान रहा फिर क्या होगा? मैंने कहा हम सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस टाइम मेरे पर माइक और एक मोबाइल था, और ये ख़वातीन या जो भी मर्द हजरात ये कंटेंट कर रहे हैं ये आज से नहीं कर रहे हैं, इन्हें बहुत से लोग बहुत अरसे से समझा रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद वो हैं इसार राणा साहब, पाकिस्तान मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम है, तजियाकार है, उन्होंने एक मीटिंग में, वो मुझे नहीं जानते थे ठीक है, और मैं उस मीटिंग में था भी नहीं, उन्होंने वहाँ पर बहुत से यूट्यूबर्स को ये कहा कि एक खातून जो मेरी स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाह रही हूँ, आप लिबर्टी हैं? कहते मैं लिबर्टी गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये इंडिया के एक्ट में ये बात कह रहे हैं। उसने कहा भाई मैं क्यों कह दूँ? अच्छा, इसार राणा साहब ने कहा कि मैंने कहा तुम क्या कर रही हो? उसने कहा सर इससे बड़े पैसे आ रहे हैं, लोग व्यूज़ आ रहे हैं। जब एक पाकिस्तानी के मुँह से इंडिया की तारीफ़ें निकलेंगी
या वो पाकिस्तान को बुरा भला कहेगा, तो आप देखिए कि इंडियन व्यूअर जो बहुत बड़ी तादाद में है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कितना अच्छा लगेगा। अच्छा मुझे बताएं उसके बाद आपका कभी दोबारा रिबाहा से रब्ता? मेरा रिबाहा से कभी रब्ता नहीं हुआ, और इस वीडियो से पहले रिबाहा से कोई रब्ता भी नहीं था, और एक शायद इंटरेक्शन हुआ हुआ था। इन्होंने मुझे कहा कि आप शॉर्ट दे दें, मैंने कहा भाई मैं ये इंडियन टॉपिक से बात नहीं करता। तो इन्होंने कहा, उन किसी ने कहा कि ये वही हैं जिन्होंने छापा मारा था, मतलब कि उससे पहले पहला छापा हो चुका हुआ था जो मेरे से डिलीट करवा दिया। उसने कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है। ये एक जो सर से सी मुलाकात हुई थी। चलें, ये आपकी कहानी हमने सुनी है, नाज़रीन सुन रहे हैं, वो इसे मुत्तफिक करते हैं नहीं करते, लेकिन अब आप मुझे ये बताएं, आपको नहीं लगता कि अब उसकी लाइफ रिस्की हो गई है पाकिस्तान? इसहार राणा साहब की बात से कंटिन्यू करूंगा कि उनकी आधी बात आपको मैंने सुना दी थी कि उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा कि आप इंडिया के हक में कुछ कहते हैं। उन्होंने कहा भाई मैं एक मीडिया का फेस हूँ, मैं ये नहीं कह सकता, मैं तुम्हारे व्यूज़ या तुम्हारे पैसों के लिए बात कह दूँ तो मैं नहीं कह सकता। और कहते हैं मैं वापस आ गया और मैंने उसे कहा कि अगर तुम ये काम करती रही तो एक दिन तुम यानी कि मुश्किल में होगी। और उन्होंने कहा कि फिर मैंने कुछ अरसे बाद वीडियो देखी कि एक माइक वाला उनके पास गया और वो आगे भाग रही थी। अब आज समझ रहे हैं कि वो भी बहुत से लोगों को जानती थी और वो सिर्फ शुरू से इंडियन कंटेंट नहीं कर रही, उससे पहले ये बहुत से दीगर प्लेटफॉर्म में भी कोशिश करती रही। देखिए यहाँ पे रह के फरहान भाई जो आप काम कर रहे हैं, जो कुमैल काम कर रहा है, या जो दीगर दोस्त साहब आप काम कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है कि आपको यहाँ से खबर निकालना या कोई यूनिक चीज़ निकालना, पब्लिक इंटरेस्ट की कोई चीज़ दिखाना। आपकी बात से अग्री कर भी लें तो वाय रिबाहा बाकी कॉन्टेंट क्रिएट